चेयरपर्सन सर, आपने मुझे ये गणतंत्र का पवित्र मंदिर में जिंदगी का पहला दफे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं तहदिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, मैं सिलचर से आता हूँ। सिलचर जाने का आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 2018 तक मेघालय होते हुए जो NH6 है, ये 6 सिंगल लाइन था, 348 किलोमीटर। मोदी जी आने का बाद 14 में पहला दफे नितिन जी का नेतृत्व में ये NH6 डबल लाइनिंग हुआ। पहले हमारा सिलचर जाने के लिए 340 किलोमीटर में हमारा 3 दिन लगा करता था, मगर 14 का बाद हम लोग 6 घंटा 7 घंटे का अंदर जा सकता हूं। और सिलचर यानी सिलचर सिर्फ नहीं है, ये गेटवे ऑफ मिजोरम, गेटवे ऑफ त्रिपुरा, गेटवे ऑफ मणिपुर, तीनों स्टेट है। सिलचर होते हुए गाड़ी गुजरती है, मगर आपका जानकारी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में हिली ट्रैक्स होता है, और ये हिली ट्रैक्स में हमारा नॉर्थ ईस्ट का मेघालय में ज्यादा बरसात भी होता है, लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल अभी ये रास्ता बिगड़ गया यानी बोल सकता हूँ खत्म ही हो गया। जुआई से सिलचर तक अभी जाने के लिए 2 दिन लगता है, छोटा गाड़ी जा नहीं पाता है। इसमें से कुछ NHIDCL, कुछ NHAI मेंटेन करता है। मैं आपका माध्यम से गुजारिश करता हूं नितिन जी से, क्योंकि वो पूरा भारत का रास्ता का रूपकार है, कि उसने कृपा करके ये रास्ता का जल्दी मरम्मत करके देने का कोशिश करे। ये एक रास्ता है, और सिलचर जाने का अलग सा रास्ता। वाजपेयी जी ने पहला दफे सिलचर का नाम लेके बोला था, सिलचर से सौराष्ट्र तक वो जो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनने का प्रपोजल यही सदन से आया था। 14 का पहले काम शुरू हुआ वाजपेयी जी का टाइम पे, 10 साल ऐसा ही पड़ा रहा, खत्म हो गया, बिगड़ गया, मगर 14 का बाद में मोदी जी आने का बाद में ये रास्ता पे काम शुरुआत हुआ। कुछ काम तो हो ही गया, अभी 30 से 40 किलोमीटर बाकी है। हफलोंग का बारे में आपका जानकारी है, तो इसी हफलोंग का 30 किलोमीटर हो जाने से हम लोग सिलचर जा सकता हूं। तो इसलिए मेरा विनती है आपसे, मोदी जी आने का बाद नितिन जी का नेतृत्व में ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम शुरुआत हुआ, ये जल्दी हो, यही आपका माध्यम से मेरा विनती है। सिलचर सिटी का अंदर बीच में गुजरती हुई जो रास्ता है, ज्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर है। इस बार बरसात ज्यादा हुआ, ये भी NHIDCL देखता है। मेरा आपका माध्यम से नितिन जी से भी विनम्र आवेदन है, ये सिलचर सिटी का रास्ता जितना जल्दी हो सके, हमारा पवन का जो मरसुमार है दुर्गा पूजा, उसका पहले जैसे अच्छा ढंग से हम लोग चल सकता हूँ। धन्यवाद जी, निवेदन आपसे है, आप हमको बोलने का मौका दिया, फिर दोबारा आपको मेरा